हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक लाइकेन एंड द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 10। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द लाइकेन्स। लाइकेन्स इज द डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड leprous and refers to the medicinal used for the treatment of skin disease. Lichen जो word है वो कहाँ से आया है? Greek word है जिसका sense होता है क्या? ऐसा substance which is the used to for treatment of skin disease. Because of the their appearance as peeling skin, इसका जो appearance होता है वो peeling skin के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। और एक और इसका चीज़ है जिसको कहते हैं स्वेडेंडर्स मीन्स डुअल नेचर का मतलब है कि लाइकेन इज ए कम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का कम्बिनेशंस होता है जिसे कहते हैं क्या? लाइकेन। मीन्स लाइकेन इज अ कम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को तो ये जानना है कि व्हाट इज द लाइकेन। इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लिख दिया यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन में किसका सिम्बायोटिक? सिम्बायोसिस का सेंस क्या होता है कि व्हेन द टू टाइप्स ऑफ आरएनए लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एंड लाइकेन्स में क्या पाया जाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। मीन्स टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई आर लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर। सो इन द लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लाइकेन का स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर एल्गल पार्टनर होता है और यहाँ पर दिया है फंगल पार्टनर होता है और एक एल्गल पार्टनर होता है। इस चीज़ को जानना जरूरी है कि फंगल पार्टनर को कहते हैं माइकोबायंट्स। माइको जो वर्ड होता है, माइको का सेंस ही होता है माइको, फंगस। माइको से ही माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी का सेंस होता है स्टडी अबाउट द फंगस। तो एक पार्टनर इसका क्या हो गया? फंगस का हो गया। और एक हो गया जिसको फाइकोबायंट्स कहते हैं। फाइको जो वर्ड आता है वो जनरली एल्गी के लिए, फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। तो क्लास भी है फाइकोमाइसिट्स का। तो फाइकोबायंट्स या एल्गल पार्टनर को कहते हैं हम फाइकोबायंट्स एंड फंगल पार्टनर को कहते हैं क्या हम ये माइकोबायंट। और दोनों का जो एसोसिएशन होता है वो होता है क्या? लाइकेन्स। अब कैसे एसोसिएट्स आते हैं? फंगल पार्टनर फंजाई का रोल क्या है? फंजाई डिग्रेड, सेप्रोफाइटिक में आते हैं। फंजाई डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता रहता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। अब लाइकेन क्या करता है? जो सिंपलर फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर को वह कन्वर्ट करता है उसको ये एल्गी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे उसको फूड मिल जाता है। फंजाई से उसको एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर मिल गया और फंजाई को क्या बेनिफिट हुआ? उसको एक शेल्टर मिल गया, एक जगह मिल गया रहने का। तो देज आर द म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द एक सेपरेट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लाइकेन्स। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस का भी एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म यू विल स्टडी अबाउट इन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन चैप्टर 12। म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, एमेंशलिज्म, प्रिडेशन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल इंट्रैक्शंस। व्हाट इज द एनिमल इंट्रैक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच द टू टाइप्स ऑफ आरएनए लिव टुगेदर एंड बोथ आर अफेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है, बोथ गेन बेनिफिट्स। एल्गी प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स, अभी जस्ट बताएं, एज ए फूड सप्लाई। एंड फंगस विद द हाइफा होल्ड्स द स्ट्रक्चर फ्रेमली द सबस्ट्रक्ट एंड एब्जॉर्ब द मिनरल साल्ट। वही बताएं, ये मिनरल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है और ये कार्बोहाइड्रेट के थ्रू फूड की सप्लाई करता है। चूंकि एल्गी एक प्लांट के कैटेगरी में आता है, एल्गी ग्रीन एल्गी फूड बनाता है और फंगस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड इस तरह से दोनों जो है कंट्रोल पैरासिटिज्म के फार्म में रहते हैं। अब कितने तरह के पाए जाते हैं? जैसे क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फोलिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन्स जो होता है दीज आर फाउंड इन द रॉक्स, क्रस्टोज लाइकेन्स। फोलियोज
फोलियोज का मतलब जैसे फोलियोज, जैसे लीफ फोलियोज है ना, लीव्स के जैसे जिसका स्ट्रक्चर होता है, और फ्रूटिकोज जो लाइकेंस होता है इसमें ब्रांचिंग होती है, पार्मेलिया वगैरह इसका एक एग्जाम्पल्स है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लाइकेंस। इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, प्रदीप की बुक में थोड़ा डिटेल दिया है, स्टूडेंट्स उससे स्टडी कर सकते हैं। क्रस्टोज जो रॉक्स पे पाए जाते हैं, फोलियोज, फोलियोज का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है, ब्रांचिंग जिसमें होती है वो क्या है, फ्रूटिकोज लाइकेन। देखो यहाँ पर दिया भैया उतना क्लियर इसमें नहीं है। तो थ्री टाइप्स के लाइकेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेटम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। माइकोबायंट अभी जस्ट बताए हैं, माइको, माइको जो वर्ड होता है इसका सेंसी होता है क्या, फंजाई, बायंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो माइको वर्ड से ही आया है माइकोलॉजी, स्टडी अबाउट द फंगस। तो मोस्ट लाइकेंस फंजाई, लाइकेनाइज फंजाई आर एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइटिना का मतलब एस्कोमाइसिट्स कैटेगरी में आते हैं। इसमें फंगस में एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिट्स, ये सब जितने भी क्लास हैं उसमें एस्कोमाइसिट्स में एस्कस का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के फॉर्म में, उसका ये कैटेगरी है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म द एपोथीसिया, एपोथीसिया बनाते हैं, एंड सम फॉर्म द पेरीथीसिया एंड द स्यूडोथीसिया, ये इसका स्ट्रक्चर है एस्कोमाइसिट्स का। 12 ऑर्डर इंक्लूड द मोस्टली लाइकेनाइज्ड मेंबर्स, एक्टिनो ये दिया है, आर्थेनोमाइसिटिस और ल्यूकेनोमाइसिटिस। ये बताया कि जो माइकोबायंट्स है, हमें इतनी चीज़ों को बहुत डिटेल नहीं जानने की जरूरत है अभी, हमें सिर्फ ये जानना है कि एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, उसमें माइकोबायंस अगर फंजाई है तो किस कैटेगरी का फंजाई है। बस एक चीज़ क्लियरली जान सकते हैं क्या, कि वह एस्कोमाइसिट्स कैटेगरी का फंजाई ज़्यादातर जो है लाइकेन के फार्म में कंबाइन करते हैं एल्गी के साथ, और कुछ ड्यूट्रोमाइसिट्स के होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिट्स का मतलब क्या होता है, इनपरफेक्ट फंजाई, फंजाई वाले टॉपिक में बता चुके हैं, या फंजाई इनपरफेक्टाई भी इसको कहते हैं। वाई दीज आर कॉल्ड फंजाई इनपरफेक्टाई, अगर थोड़ा सा स्टूडेंट सोचेंगे या पहले का याद करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन टिल नाउ इन द ड्यूट्रोमाइसिट्स, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन, अभी तक केवल इसके बारे में। तो इस कैटेगरी के सीधे सीधे बस ऐसे समझ सकते हैं, एस्कोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स के भी है, बेसिडियोमाइसिट्स के, जिसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी जिसे बेसिडियम के फॉर्म में जिसमें होती है। तो इस कैटेगरी के फंजाई जो है एक एसोसिएशन के फॉर्म में एल्गी के साथ कंबाइन करके एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं क्या हम, लाइकेन। 20% ऑफ ऑल फंजाई एंड 40% एस्कोमाइसिटिस आर लाइकेनाइज्ड, ठीक है। अब आते हैं थैलस की मॉर्फोलॉजी क्या है। थैलस, थैलस कहते हैं किसे, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टीम एंड लीव्स, इज कॉल्ड थैलस। तो थैलस की मॉर्फोलॉजी क्या है, क्रस्टोज अभी जस्ट बताया है, फ्लैटेंड होते हैं, सैक लाइक्स होते हैं, नो लोअर सरफेस टाइटली, शुरू में बताया है, एंड टाइटली बाउंड टू द सबस्ट्रेटम, यानी क्रस्टोज जो लाइकेंस होता है दे आर फाउंड इन द रॉक्स सरफेस पे, रॉक सरफेस पे पाए जाते हैं, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रूटिकोज, क्रस्टोज लाइकेन, फ्रूटिकोज अभी जस्ट बताए थे कि ब्रांचिंग इसमें होती है, स्ट्रेप्ड सेप्ड आर थ्रेड लाइक थैलस, अपराइट आर हैंगिंग, लटके हुए रहते हैं, ठीक है। और एक और है क्या, फोलियोज, फोलियोज लाइकेंस होता है, फ्लैटेंड ब्रांचिंग लोब्स लूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम लाइक लीफ लाइक, फोलियोज पहले बताएं, लीफ लाइक फोलियोज वर्ड यूज होता है प्लांट्स में, जहाँ पर कहते हैं फोलियोज लीव्स है, मीन्स द प्लांट्स विच हैव द लार्जर अमाउंट्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फोलियोज लीव्स, ठीक है। तो फ्लैटेंड होते हैं, ब्रांचिंग लोब्स लूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और लीफ लाइक इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। एंड हैव अपर एंड लोअर सर्फेसेज एनाटोमिकली सिमिलर टू द एंजियोस्पर्म, जैसे ऐसे दिखाई देता है कि वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई लीफ है, लेकिन एक्चुअल में है क्या वह, एक्चुअल में वह एक लाइकेंस है विच इज द कम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइकेंस से, कुछ ऐसे लाइकेंस है जिससे लिटमस पेपर भी बनाया जाता है, जिसके हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं, लेकिन उसके अलावा फूड एंड फॉडर के फार्म में, मेडिसिन के फार्म में इसका यूज किया जाता है, एज ए कलर के फार्म में, जो अभी जस्ट बताया ये लिटमस पेपर, डाई के कलर में, टैनिंग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ये इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, और साथ साथ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, इकोसिस्टम को भी ये मेंटेन करते हैं। दे आर द पायनियर ऑफ सक्सेशन एंड इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब कैसे, पायनियर जो वर्ड है, पायनियर का सेंस क्या होता है,
पायनियर का सेंस होता है फर्स्ट टू ग्रो, ऐसे प्लांट आर सबस्टेंस है जो सबसे पहले ग्रो करते हैं, जैसे बेयर्ड रॉक है और उस बेयर्ड रॉक पर जो सबसे फर्स्टली जो ग्रो करते हैं वो लाइकेंस होते हैं। सो दीज आर द पायनियर प्लांट्स इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी भी वेजिटेशन जो जहाँ पर ग्रो कर रहा है किसी रॉक पर नेकेड एरिया में, ठीक है, जो प्लांट सक्सेशन होता है तो वहाँ का ये पायनियर प्लांट के फार्म में है, मीन्स फर्स्ट टू ग्रो, सबसे पहले यही ग्रो करता है। धीरे धीरे स्मॉल प्लांट्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, फिर सर्प्स आते हैं, फिर वह क्लाइमेक्स वेजिटेशन तक कन्वर्ट हो जाता है। क्लाइमेक्स वेजिटेशन क्या होती है? क्लाइमेक्स वेजिटेशन का मतलब होता है कि जिसमें देयर इज नो चेंजिंग टेक्स प्लेस फर्दर, नो, अब कोई आगे जो है किसी तरह की, जैसे फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइमेक्स वेजिटेशन। इतना बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 12th में डिटेल है और पायनियर भी जानना जरूरी है। पायनियर्स का मतलब फर्स्ट टू ग्रो, इन्हें आने बेयर्ड राज, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये जानना जरूरी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? कि इट इज ए टाइप ऑफ सक्सेशन आने बेयर्ड रॉक, मीन्स प्लांट वेजिटेशन का जो सक्सेशन होता है, मीन्स पहले लाइकेंस आएंगे, फिर उसके बाद एल्गी आएंगे, एल्गी के बाद से स्मॉल प्लांट्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, फिर सर्प्स आएंगे, फिर ट्री ग्रो करेंगे, फिर उसका ब्रेकडाउन होगा रॉक्स का, लास्ट में चल करके वह एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द पायनियर प्लांट्स एज ए फॉडर, जिसे बताया एज ए फूड एंड फॉडर, फॉडर में चारे के रूप में। तो क्लेडोनिया रेंजिफेरिनिया जो प्लांट जो एक तरह का लाइकेंस है वो टुंड्रा में पाया जाता है। टुंड्रा का मतलब होता है कि जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, टुंड्रा एंड टैगा, टैगा में थोड़ा टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है लेकिन टुंड्रा में पूरी तरह से माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर अदर किसी तरह का वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर आर्मी जो एनिमल जो सर्वाइव करते हैं वह उनका जो फूड होता है वह क्लेडोनिया रेंजिफेरिना एक तरह का लाइकेंस पाया जाता है जो उनका फूड होता है, ठीक है। और भी स्पेसीज है कई इसकी, और भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ड्यू टू द लाइकेनिन। मेडिसिनल प्रॉपर्टी यहाँ पर जो दिया, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में क्या है, ये पेल्टीजेरा कैनिया का जो प्लांट्स हो जो लाइकेंस है वह हाइड्रोफोबिया में यूज किया जाता है इसका। और पारमेलिया अभी जस्ट बताए थे, पारमेलिया का पूरा नेम है, पारमेलिया एक फंजाई है, ये फंजाई नहीं, पारमेलिया एक लाइकेंस है, पारमेलिया सेक्सिलिटिलिस एपिलेप्सी में इसका यूज किया, एपिलेप्सी मीन्स होता है मिर्गी, एपिलेप्सी ब्रेन से डिसऑर्डर जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अभी देखो एक जो है लाइकेंस का यूज किया जा रहा है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब रेबीज जो डॉग्स के बाइटिंग से या रेबाइड एनिमल्स से जो होता है, एपिलेप्सी मिर्गी की जो बीमारी होती है उसमें पारमेलिया से मेडिसिन बनाया जाता है जो लाइकेंस है। हमें यह पढ़ना है व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस एंड व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ लाइकेंस। फिर है लोबेरिया पल्मोनेरिया, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए जो है मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो दीज आर द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ लाइकेंस। अब परफ्यूम एंड डाई जो टॉपिक में था, कई तरह के अभी पता है ना डाई ओल्ड दे आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉस लेदर फ्रेगनेंस, परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। सम टाइप्स ऑफ सोप्स भी बनाए जाते हैं लाइकेंस का दिया हुआ है यहाँ पर। एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट में यह लाइकेन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो लाइकेंस का कलर बनाने में इसका यूज किया जाता है, यहाँ पर लाइकेंस है, यहाँ पर दिया पायनियर स्पीसीज तो उधर ही बताए थे, फर्स्ट टू ग्रो जो सबसे पहले रॉक्स पे ग्रो करते हैं एंड हेल्प इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके सर, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके।